हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये हो रहा है शाम का समय और मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को। काम करो। शाम का टाइम हो रहा था और मैं खाना बना रही थी। इधर छोटे बाबू को दूध पिला रही थी और इन दोनों को मैं पढ़ा रही थी। तो मैंने अभी कह रहा कि ट्यूशन वगैरह नहीं डाला है, मैं खुद से उसको पढ़ाती हूँ, क्योंकि बहुत शैतान है मेरी बिट्टी, तो इसको मैं खुद से ही पढ़ाती हूँ। और इनको पढ़ाते पढ़ाते ही और मैंने घर का काम करके ही और बिना पैसे खर्च करे, एक रुपये खर्च करे, बिना कोचिंग किए मैंने सीटेट क्लियर कर लिया। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है मैंने सीट कैसे क्लियर किया और मैं किस तरीके से पढ़ाई करती हूँ और मेरे को कैसे याद रहता है। तो मैं आपको बताऊँगी, तीन टिप्स बताऊँगी इस तरीके से। अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी याद रहेगा, आप भी कभी नहीं भूलेंगे। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, आप किसी को काफ़ी टाइम बाद देखते हैं तो आप उसको भूल जाते हैं और आप अपनी मेमोरी में वो सेव नहीं रहता कि वो कहाँ पे आपने देखा, किस टाइम देखा और क्या नाम है उसका, तो आप सोचने में लग जाते हैं। उसी तरीके से मैं आपको बता दूं, अगर आप एक चीज़ को बार बार रीड करेंगे, याद करेंगे, तो आपको याद रहेगा। मैं आपको तीन स्टेप बताती हूँ जो आप कभी नहीं भूलोगे, आपको हमेशा याद रहेगा। फर्स्ट स्टेप है, आप जो भी आपने देखा या आपने पढ़ा है उसको अच्छे से आपने रीड करना है। अच्छे से रीड करने के बाद सेकंड स्टेप, उसको एनालाइज करें। अच्छे से एनालाइज करेंगे तो उसको आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और थर्ड पॉइंट है, आप उसको एनालाइज करने के बाद उसको नोट डाउन कर लें, और जब आप उसको नोट डाउन कर लेंगे तो वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा एकदम से। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अभी ये पढ़ रहे हैं। छोटा बाबू मेरा यक्ष है जो अभी चला गया है दूध पी के, इधर उधर घूम ही रहा है, और मैं भी थोड़ा सा जैसे कि करंट अफेयर या जीके क्वेश्चंस है मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद खाना बनने के बाद मैं अभी काम वगैरह सारा निपटा लूँगी, उसके बाद भी मैं बैठूँगी पढ़ने के लिए। रात का ही टाइम मुझे ज़्यादातर मिलता है पढ़ने के लिए, दिन में जैसे टाइम लगता है दोपहर का टाइम हो गया और या मॉर्निंग में, तो मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि यक्ष की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे पूरी रात कई बार उठना पड़ता है, तो इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। और जब नींद पूरी नहीं होगी तो आपने जो भी पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में अच्छे से नहीं बैठेगा। इसलिए मैं, जैसे मेरे पास दोपहर को टाइम है, मैंने दोपहर को पढ़ लिया, और रात को मेरे पास टाइम होता है तो जैसे मैं 10 से या 9 से 1 या 9 से 2 ऐसे मैं रात को मैं रीडिंग वगैरह कर लेती हूँ, याद वगैरह कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ जो भी मैंने नोट डाउन किया होता है। और मैं खाना यहाँ बना रही हूँ, खाना लगभग बन चुका है, सिर्फ रोटी वगैरह बना रही हैं। खाना वाना खाने के बाद साफ़ सफ़ाई, जैसे रात का किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद पढ़ने बैठ जाऊँगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप पढ़े, चाहे 2 घंटे पढ़े या पूरे 8 घंटे पढ़े, 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप दिन में 2 से 4 घंटे पढ़ें, पर ऐसा पढ़ें कि आपके दिमाग में बैठ जाएं। और जो ट्रिक मैंने बताई है, सबसे पहले रीडिंग, उसके बाद एनालाइज, उसके बाद नोट डाउन, ये सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मैंने बनाया बैगन का भरता, जैसे बैगन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, उस पर सरसों का तेल लगा लिया था और उसको मैंने गैस पे भून लिया है और उसको टमाटर को भून लिया है, इसका भरता बनाऊंगी। उधर कुकर में आलू उबल गया, इन सबको मिक्स करके बैगन का भरता बनाऊंगी रोटी। और सिर्फ आज यही रात का लंच डिनर है, और कभी कभी हल्का भी खा लेना चाहिए रात को, वैसे हल्का खा के सोना चाहिए। आज पढ़ने में काफ़ी लेट हो गया और रात के बज रहे हैं 11:10 हो रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, मेरे शैतान बच्चे यहाँ पर अभी जग रही है, इसको मॉर्निंग में स्कूल जाना है, बट ये अभी सो नहीं रही है। और इधर देखो बेटे को, ये भी दूध पी के ये तो सो जाएगा, बट वो अभी सो नहीं रही है। और मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि अभी दोनों मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं पढ़ूँगी इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर में मेरा आर्टिकल हो चुका है और प्रीपोजिशंस भी हो चुके हैं अब इसके अंदर, और प्रीपोजिशंस भी कर लिए, आर्टिकल्स भी कर लिए हैं और एरर्स भी हो चुके हैं। तो आज मैं कंजक्शंस वगैरह देखती हूँ कि क्या कंजक्शन वगैरह करना है, या स्पेलिंग एग्जेक्टिव कर लेती हूँ, आज एग्जेक्टिव करूँगी मैं। सो गाइज, मैंने रात की वीडियो नहीं बनाई है, नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। और रात को मैं 1:30-2 बजे तक पढ़ी थी और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। ये अच्छी तबीयत भी खराब है और बहुत शैतान चिड़ियाबन हो गया, आप देख सकते हैं। चुप हो जाओ, ये लो रख दोगे भी सारे। ये मेलोडी खानी है, मेलोडी खानी है, ये लॉलीपॉप नहीं खाना, लॉलीपॉप नहीं खाना, देखो लाले मेलोडी का हो गए, लाओ खेल दो, बोलिए मेलोडी खा लो आप भी। देखा एक में खा लू, एक में खा लू, खा लू, अच्छी है, अच्छी नहीं है। अच्छा ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये रख दो, फिर रख दो, रख ले जा रही हूँ। तो फिर कौन सी खानी है, रख ले जा रही हूँ, रख ले, रखो रखो रखो, तो कौन सी लोगे, ले लो ले लो, ये लो निकालो निकालो निकालो।